हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज वीडियो में मैं आपके लिए कुछ न्यू फोन्स जो लेके आया हूँ। इस ज़िफ़ाइल में आपको 80 फोन्स जो देखने को मिल जाएंगे, जो कि न्यू फोन्स हैं, मैंने कल ही डाउनलोड किए हैं। और इसमें कुछ स्टाइलिश फ़ोन्स भी जो है आपको मिल जाएंगे। मैं ख़ुद तो स्टाइलिश फ़ोन जो यूज़ नहीं करता, मैं सिंपल से फ़ोन जो यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो है कुछ स्टाइलिश फ़ोन जो है डाउनलोड किए हैं। तो ज़िप फाइल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से जाके ज़िप को डाउनलोड कर लेने। और ज़िप फाइल में जो पासवर्ड है वो भी आपको सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, तो वो आपने वहाँ से देख के ज़िप में लगा लेने। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपने पिक्सल लैब में जो है फर्स्ट टाइम जो है फ़ोन्स किस तरह ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो न्यू फ़ोन है और मेरे जो पिक्सल लैब है वो भी न्यू है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने फ़र्स्ट टाइम जो है फ़ोन्स जो है किस तरह ऐड करने हैं उसमें। तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना आपने बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जो कि आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके पास ये है तो सही है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो ये डाउनलोड करने के बाद जो है आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ अपने पिक्सल लैब में। तो सिंपली यहाँ पर मैं फ़ोन्स वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो पिक्सल लैब है बिल्कुल न्यू है, इसमें एक फ़ोन भी ऐड नहीं है। ओके, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ज़ीरो है बिल्कुल। तो उसके बाद जो है आपने इस एप्लीकेशन में आ जाना है और जो आपकी ज़िप फाइल है सिंपली आपने ज़िप फाइल के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ़ोन्स की ज़िप है सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने इसको करना है एक्सट्रैक्ट हेयर पे। ओके, क्योंकि इस ज़िप फाइल को हमने इसी फोल्डर के अंदर जो अनज़िप करना है, उसके बाद जो है हमारे जो फ़ोन होंगे उनको हम किसी और फोल्डर में लेके जाएंगे। ओके, तो इसको यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट हेयर पे कर लेता हूँ क्लिक। तो जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आपने ऐड करना है और इसको सिंपली आपने यहाँ से ओके करना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी ज़िप फाइल थी अनज़िप हो चुकी है। उसके बाद जो है आपने सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और अगेन जो है इस पर क्लिक करना है आपने, और यहाँ से आपने करना है सिलेक्ट आल पे। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है आपने देख लेनी है, कुछ एक दो फ़ोन होंगे जो कि हमारी अनज़िप होंगे पहले से ही, तो इसको जो है आपने यहाँ पे डी सिलेक्ट कर लेना है, लाइक इस तरह से। एक ये है और एक जो आपकी ज़िप फाइल होगी सिंपली उसको भी आपने यहाँ पे डी सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो ये करने के बाद जो आपने यहाँ पे ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है येस वाला आइकन, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद जो आपने ऊपर ये जो स्क्वायर टाइप का है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने करना है एक्सट्रैक्ट पे। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको ये फोल्डर चूज़ करने का बोलेगा, सिंपली आपने ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आप जहाँ पे भी इसको अनज़िप करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं डिवाइस मेमोरी में करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपने यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, सिंपली मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं न्यू फोल्डर जो है क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक फ़ॉन्ट्स नेम से मैं कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम आपने ऐसे ही करना है, एक अलग से फोल्डर जो बना लेना है और सिंपली यहाँ पे मैं इसको जो है अनज़िप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके पास डबल फ़ॉन्ट्स होंगे उनको आपने स्किप कर लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी जो ज़िप फाइल थी सिंपली अनज़िप हो चुकी है, हमारे जितने भी फ़ोन्स थे वो फ़ोन्स वाले फोल्डर में आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पिक्सल लैब में और यहाँ पे हम आ जाते हैं फ़ोन्स वाले ऑप्शन में, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ माई फ़ोन्स में आकर कि हमारे फ़ोन्स जो है यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोन्स वाला फोल्डर था वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर पिक्सल लैब में ऐड हो चुका है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था फ़ोन्स जो है आप फर्स्ट टाइम आप तो जो है किस तरह पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं यार, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था जो कि मैंने आपको लाइव करके भी दिखा दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और मेरे सेकेंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।